दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बैजू लर्निंग ऐप्स पे रजिस्टर कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जाना है प्ले स्टोर में और आपको वहाँ से डाउनलोड करना है बैजू ऐप्स और फिर उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल प्ले स्टोर में जाना है इस तरह से और फिर यहाँ से हमें डाउनलोड कर लेना है बैजू ऐप्स लिख कर। जैसे कि आपको लर्निंग ऐप्स का ऊपर में ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और फिर आप सीधा इसको ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल में और इसको सीधा हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे अगर आप पहले से इंस्टॉल नहीं किए हैं तो। तो चलिए अब हम इसको सीधा ओपन करेंगे, होम स्क्रीन पर जाएंगे और सीधा इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम इसको सीधा ओपन करेंगे। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेरेंस मिलेगा बैजू लर्निंग ऐप्स का। उसके बाद हम सीधा सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, फिर गेट स्टार्टेड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर जैसे आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे ये पूछेगा कि आप किस क्लास का कोर्स आप करना चाहेंगे, 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड या 9th या 10th या 11th 12th, जो भी आप करना चाहें इसमें से चूज कर लीजिए, जो भी आप जिस क्लास के भी पढ़ाई करना चाहते हैं बैजू लर्निंग ऐप्स के थ्रू। तो मैं इसमें सेलेक्ट करूँगा 10th क्लास के लिए। तो यहाँ पर 10th के ऊपर क्लिक कर दीजिए आप, तो इस ये आपसे रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, यहाँ पे सिंपली आपको अपना नाम डालना है। तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है यहाँ पे आप डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं राजू डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको जैसे कि ये खुद से सैटेलाइट के थ्रू ये यहाँ पे एड्रेस को डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दें, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दें और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे आप आपका एड्रेस खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद इसके ऊपर एरो के ऊपर सिंपली हम क्लिक करेंगे और ये पर आपका अकाउंट रजिस्टर होने के लिए रेडी हो जाएगा। और आपके मोबाइल के ऊपर जो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे यहाँ पे सब टोटल एड्रेस वगैरह सब यहाँ पे एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सीधा ब्लू वाला जो टिक आपको दिखाई देगा यहाँ के ऊपर सीधे सिंपली आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल के ऊपर वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा प्लीज़ एंटर 4-digit कोड सेंड टू योर मोबाइल नंबर, इतना नंबर पे आपको 4-digit का कोड आ चुका है। तो उसको हम इसमें तो सिंपली दोस्तों इसमें हम पासवर्ड को एंटर कर देंगे जो भी पासवर्ड आया है। उसके बाद खुद ब खुद ये आपका ओपन हो जाएगा पेज। यहाँ से आप जा करके कोई भी पेज ओपन करके यहाँ से आप रीडिंग कर सकते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वगैरह जो भी आप चाहें इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर का पेपर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन सारी फीचर क्या क्या इसमें है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या क्या इसमें कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो ये रहा दोस्तों रजिस्टर करने का कि किस तरह इसको रजिस्टर करेंगे ऐप्स को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।